अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपका सवाल था कि क्या मछली खाकर रोज़ा रखना कैसा है? क्या मछली खाकर रोज़ा रखने से रोज़ा हो जाएगा या नहीं होगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि तुम खाओ जमीन पे जो हलाल चीज़ें हैं, और मछली हलाल जानवर है जिसके खाने में कोई कराहत नहीं। मछली खाकर अगर कोई रोज़ा रखे तो रोज़ा हो जाएगा, इसमें कोई कराहत नहीं, कोई कबाहत नहीं। इसलिए कि मछली हलाल जानवर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नियमतों में से एक नियामत है। तो बहरहाल आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल चुका। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह बकरा में आयत नंबर 148 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से जो तुम्हारे लिए हलाल है। तो नाज़रीन कराम, आप इसी तरह से और भी सवाल कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।